कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान हमारे बीच नहीं रहे, व्यापारियों ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान हमारे बीच नहीं रहे, वे कोरोना काल में सेवा करते करते खुद भी कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्हें लखनऊ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली और कोरोना की लड़ाई जीत नहीं पाए। मुरादाबाद के व्यापारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री एवं जिला उद्योग बंधु के विशेष आमंत्रित सदस्य विपिन गुप्ता ने बताया कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी से उनकी कई बार वार्ता हुई है, वह हमेशा सभी से प्यार करते थे तथा खुश रहते थे। आज वह हमारे बीच नहीं रहे, बड़े दुख का विषय है कि वे कोरोना से लड़ाई जीत नहीं पाए और उनका स्वर्गवास हो गया। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गुप्ता है। विपिन गुप्ता जी, आपने आज शोक सभा का आयोजन किया है, सर क्या मामला? आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पूर्व क्रिकेटर बड़े भाई श्री चेतन चौहान जी हमारे बीच नहीं रहे, हम सभी को बड़ा दुख है। वो कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर खुद को भी नहीं बचा पाए, हम सब लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय है, दुख की घड़ी है। हम सभी लोग परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, मेरी मुलाकात भी कई बार माननीय चेतन चौहान जी से हो चुकी है। आज हम सब लोगों को बड़ा दुख है कि आज वो हमारे बीच नहीं है।